अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैंने सोचा मैं आज आप लोग के लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी लेके आऊँ तहरी की। इजी टू मेक है, बहुत जल्दी बन जाती है। सबसे पहले मैंने एक पतीली ली है, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ, ये देखें, 2 टेबल स्पून, आप जो भी आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ऑयल ले लें, ठीक है, ऐसे ले लीजिएगा क्या, ये देखें, ठीक है। मैंने तकरीबन ये गोल चम्मच था, ये 3 ले लिए, ठीक है। उसके अलावा जब हल्का सा लगे, देख कि साइडों में ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं हो, ये मैंने ज़ीरा ले लिया है, ज़ीरा डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा ये मैंने ली है ज़ीरा, जैसे ही आपको लगे कि होने लगा है, तो ये मैंने ये देख लीजिएगा 7-8 काली मिर्चें, 1-2 लौंगी और ये देख लीजिएगा, ये डाल दिया है गर्म मसाला, ठीक है। अब इसके बाद जो है मैं करूँगी इसको मिक्स। ये देखिएगा, जैसे ही लगे आपको ज़ीरे की स्मेल आनी शुरू हो गई है, मैंने ये देखें, ठीक है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, ठीक है, ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब हम लेंगे ये देखिएगा गरम मसाला होने लगा है, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, देखिए ये हो रहा है। तो मैंने इसके अंदर हल्की सी हल्दी डाल दी है, ये रहे, ठीक है, ताकि चावलों में रंग आ जाए, ठीक है। ये हल्दी डाल, ठीक है, ये मैंने हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है, ठीक है, ताकि हमारे उसके अंदर रंग आ जाए, ठीक है। उसके ये देखिएगा, ठीक है, उसके बाद जो मैंने आलू काटे थे, मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने आलू काटे हुए थे, ये देखिए, मैंने शॉप करके आलू काट के वॉश कर लिए थे, उसके बाद मैंने ये आलू इसके अंदर डाल दिए हैं। मैं करूँगी इसको हल्का सा मिक्स, के आलू पे हल्का हल्का इसका कलर आ जाए है, और फिर मैं डालूँगी थोड़ा सा पानी। आज थोड़ी तेज़ कर लेते हैं और डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है कि इन पानी में आलू गल जाएंगे, ठीक है। मुझे लग रहा है थोड़ी सी हल्दी कम है, तो मैं थोड़ी सी हल्दी और डाल दूंगी, ठीक है, ये मैंने डाल दी है। अब मैं करती हूँ इसको मिक्स, और अभी मैं नमक ऐड नहीं कर रही, सही है, हल्के कर देती हूँ, मैं नमक ऐड कर देती हूँ इसके बाद, ताकि आलू के अंदर भी नमक इसका मिक्स हो जाए, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से, मैं हाथ से डाल रही हूँ नमक, आप लोग को जो भी चमची का हिसाब हो आप लोग उससे डाल दिएगा, ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, और जब चावल डालेंगे तो वो उसके मिक्स हो जाएगा, ठीक है। हल्का सा मैंने मिक्स किया है, उसके बाद मैंने हल्का सा पानी में और ऐड कर देती हूँ, और फिर कर देती हूँ अपनी, ये मैं कर देती हूँ इसको कवर, ठीक है, ये मैंने कर दिया इसको कवर। अब 10 से 15 मिनट हम वेट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह देखते क्या होता है। ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि इसमें मैंने जो है वो उसके अंदर टमाटर और वो डाल दिए थे, बड़े बड़े टमाटर करके, और 2-3 हरी मिर्च डाल दी थी, ये देख लीजिए, और अब आलू गल चुके हैं, ठीक है। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये देखिए, सही है, ये आलू गल चुके हैं, ठीक है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर चावल, सो चावल डाल के फिर मैं आपको, ये देख लें मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं, ठीक है, ये देखें चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है, हल्का सा मिक्स करूँगी, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, ठीक है, देखिएगा आप लोग, ज़्यादा नहीं मैंने थोड़ा सा ऐड किया, ये देख लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको, ये देखिए बॉयल आ रहा है, जब तक ये बॉयल आएगा मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा नमक, क्योंकि जब हम आलू डाल के पानी डालते, चावल डालते, नमक ऑलरेडी कम हो जाता है, और आलू के साथ हमेशा पानी डालें, क्योंकि क्या ना, हमें
आलू जो है वो भी नमक पीते हैं। सही है, फिर मैं इसके अंदर नमक ऐड करती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, मैं अब इसके अंदर कर रही हूँ नमक ऐड। ये ना मैंने ज़्यादा नहीं करूँगी, आप लोग अपने हिसाब से नमक ऐड करें, और हाथ से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ये कर दिया आपने, फिर हल्का सा इसको मिक्स कर दिया। ठीक है, अब हम जितना वेट करेंगे तब तक इस पर बॉइलिंग आ जाता है। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है रेड रंग। मैंने बड़े बड़े टमाटर वगैरह डाले हैं, आप लोग की मर्जी है, हरी मिर्चें भी दो चार डाल दी हैं। ठीक है, और आप लोग आज क्या बना रहे हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं। ये चावल जैसे ही बॉयल आएंगे, ये देखिएगा अभी आहिस्ता आहिस्ता बॉयल आना शुरू हो गया। ये बॉयल आएंगे तो उसके बाद जो है हम इनका चूल्हा धीमा करके ढकना ढक देंगे। ये देखिए उबाल आना, उबाल आना शुरू हो गया। ये देखें एक दफा सारा सही से उबाल आ जाए फिर हम ढकेंगे। कलर देख के तो अच्छा लग रहा है, उबाल आ रहे हैं। आप लोग बताएं आज आप लोग क्या बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं आप लोग आज घर में। फ्राइडे के दिन उबाल आ जाता है तो उसको ढकना ढकती हूँ धीमा करके। ये देख लीजिएगा उबाल आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको धीमा कर रही हूँ और ढकना ढकती हूँ। मैंने इसको धीमा किया है। ठीक है, अब मैं इसको ढकना ढकती हूँ। ठीक है, 10 मिनट तक वेट करेंगे, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग चावल जैसे के हो गए हैं, बहुत ही अच्छे से इनके कलर आ गया है। ये देखिए आप लोग, ये मेरे प्लेट में निकाले, बहुत ही प्यारा सा कलर आ रहा है और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छे है। सो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसे बने आप लोग ने कैसे बनाए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।